तो आ गए आप, एक मिनट जाइएगा मत, अभी पहले बुरी बात सुनिए उसके बाद जाइएगा। तो मेरा नाम है अरीब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ऑल करिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जब वीडियो अपलोड करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जो आज मैं टेक न्यूज़ दे रहा हूँ, आपने और लोगों की टेक न्यूज़ देखी होंगी, स्टेप लिस्टिंग्स, टेक्निकल गुरु जी, ड्रैगन टैक, टेक्नोफेज, जितने भी ये टेक क्रिएटर्स हैं जो टेक न्यूज़ वाले हैं, इन्होंने अब तक ये टेक न्यूज़ नहीं दी होगी। दी होगी तो उसी टाइम डिसलाइक कर देना मेरी वीडियो को, समझ में आया? और अगर नहीं दी हो तो आप वादा करो सब्सक्राइब करके जाओगे आप, ठीक है? तो पहले हम शुरुआत करते हैं वन प्लस नोट टू से, जो पहली खबर वन प्लस की तरफ से आ रही है। वैसे वन प्लस नोट टू की स्पेसिफिकेशन सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, और जो मैंने अपने पास से बताई थी उन्हीं स्पेक्स के साथ आपको आ रहा है। आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने आपको बताई थी, तब मैंने अपना नया नया चैनल स्टार्ट किया था, और वही स्पेक्स बाद में और दूसरे क्रिएटर से बनाई है, और वही स्पेक्स भी जो है वन प्लस के स्मार्टफोन जो नोट टू उसकी स्पेक्स लीक भी हुई है, जो मेरा अंदाजा था वही आएंगी। इस बात पर लाइक तो करना बनता है यार, ठीक है? और सुनो, वन प्लस नॉट टू में डायमेंसिटी 1200 आ रहा है, मैं बता चुका था। 50 मेगापिक्सल कैमरा होगा, ये बता चुका था। 90 हर्ट्ज की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, फ्लूइड एमोलेड जो वन प्लस की आती है, वो मैं आपको बता चुका था। अब आपको एक नई खबर मैं आपको सुनाता हूँ, वो तो आपको शायद पता ही चल गया होगा, 22 तारीख को ये लॉन्च हो रहा है जुलाई में। लेकिन कल मैं अमेजोन पर था तो वन प्लस वालों से गलती से एक चीज़ लिस्ट हो गई, वो डिलीट हो गई वहाँ से, लेकिन बाद में, लेकिन वो चीज़ अब एक जगह पर है, मैं आपको बता सकता हूँ। आप वन प्लस नॉट टू खोलो अमेजोन पर जाके, क्विज में जाओ, क्विज में आंसर करोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आएगा, वन प्लस नॉट सीरीज इज नोन फॉर ए आर मतलब आर्गुमेंट वर्चुअलिटी, वी आर वर्चुअल वर्चुअलिटी, और दो और थे ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है आर्गुमेंट वर्चुअलिटी, मतलब ए आर। इसका मतलब पता है दोस्तों, मतलब ये लॉन्च इवेंट ए आर ही होगा, जैसे आज से 1 साल पहले हुआ था नॉट का। या तो उनकी वेबसाइट पे जाकर आपको अपना कैमरा की परमिशन देनी पड़ेगी, या कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का यहाँ पे होना सीधा सीधा मतलब है कि एआर में ही लॉन्च इवेंट होगा, क्योंकि नॉट सीई में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था, उसके क्विज भी मैंने सारे करे थे, लेकिन उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। इसमें क्वेश्चन आने का मतलब समझ जाओ यार लेजेंड्स, ठीक है? तो दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो का जो रेनो 6 सीरीज है, वो भी डायमेंसिटी 1200 पे होगी, और रेनो 6 होगा, 6 प्रो, जहाँ तक मुझे अंदाजा 6 प्रो होगा डायमेंसिटी 1200 पे, और 65 वॉट का 2.0 वो वूक चार्जर आपको देखने मिल जाएगा, सुपर वूक चार्जर। तो ये थी ओप्पो की और वन प्लस की खबरें। और दोस्तों, रियलमी की एक और खबर आ रही है, रियलमी का जो 10,000 के अंदर 15,000 के अंदर वाला 5G फोन है, वो माधव सेठ जी ने कन्फर्म कर दिया है कि 2022 में आएगा, 21 में नहीं आएगा। तो बजट थोड़ा बढ़ा लो अगर 21 में लेना है तो, ठीक है? अगली खबर की बात करें, वो भी रियलमी की तरफ से आ रही है, लेकिन वो डीजो की तरफ से आ रही है। तो डीजो के जो मैं घड़ी आपको बता चुका था, 3 चीज़ें लिस्ट होनी, गो पॉड्स डी और रियलमी डीजो वॉच। आपको बता दिया, जो गो पॉड्स हैं वो रियलमी बड्स रियल 2 के कॉपी हैं, और गो पॉड्स डी बड्स Q2 के कॉपी हैं, जो कि लॉन्च हो चुके हैं। और डीजो वॉच जो रियलमी वॉच 2 या फिर 2 प्रो जो मलेशिया में गई थी अभी, या फिर इंडोनेशिया में जो गई थी, सेम वही है, सेम लिख के ले लो मुझसे। अगर किसी और ने ये बात ना बताई हो, उसी टाइम में आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वादा कर लो, सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। और आप फोटो भी देख यहाँ सकते हो इसकी, इसकी की स्पेक्स की मैं आपको बात बता दूँ तो मैं आपको खैर बता चुका हूँ, लेकिन जो वीडियो आज देख रहे हैं लोग, उनको मैं आज बता दूँ इसके बारे में। इसके अंदर आपको 90 स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको ये भी वॉच 2 प्रो या 2 जो भी मलेशिया के अंदर लॉन्च हुई थी उसके अंदर देखने वाले थे। एक व्हाइट कलर के स्टेप और एक ब्लैक कलर के स्टेप देखने को मिलेंगे, और 3.5 सेंटीमीटर मतलब 1.4 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। 12 डेज की बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, और IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर ये देखने को मिलेगा, लाइव वॉच फेसेस भी देखने को मिलेंगे। अब ये मुझे पता नहीं है एमोलेड आएगी, क्योंकि मलेशिया में तो IPS के साथ गई थी, यहाँ भी IPS आएगी, लाइव वॉलपेपर IPS के अंदर भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये लाइव वॉल फेसेस दे रखे हैं, लाइव वॉच फेसेस का मतलब क्या है, लाइव वॉलपेपर, देखते हैं लाइव वॉलपेपर के साथ आता है कि ये लाइव का कुछ और मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो रियलमी X9 सीरीज के बारे में बात करते हैं, वो दोस्तों दोबारा लिस्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही लॉन्च होगी, शायद आपको अगले महीने भी देखने को मिल जाए X9 सीरीज। और जो Realme 9 सीरीज आएगी दोस्तों, सुनने में आ रहा है कर्व डिस्प्ले के साथ में आएगी। तो रियलमी और वन प्लस ओप्पो की ज्यादा खबरें हो गई, एक ही कैटेगरी के ये लोग हैं। और क्वालकॉम ने अपना एसुस के साथ पार्टनरशिप करके एक नया फोन लॉन्च कर दिया है,
उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी प्राइस 1,20,000 के आसपास है। स्नैपड्रैगन 888 का नया वर्जन उसके अंदर कुछ है वो देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सुपर एमोलेड मिलेगी आपको, और चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है उसके अंदर, तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है वो। उसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी तो खैर नहीं। और हाँ दोस्त, आप ओप्पो 6 सीरीज की यहाँ फोटो देख सकते हैं, दो कलर आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही जल्दी दोस्तों वीवो के और ओप्पो के पैड, मतलब आपके टैबलेट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो भी नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे। अभी इंडिया का कंफर्मेशन नहीं हो सकता, पहले चाइना में जाए फिर इंडिया में आए, और रियलमी GT 2 भी पहले चाइना में जाएगा बाद में इंडिया में आएगा। और हाँ एक दोस्तों मेन बात, रियलमी ने एक और चीज़ कंफर्म कर दी, GT इज कमिंग सून, मतलब रियलमी GT बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की टेक्निकल, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और करिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए जिसमें वीडियो अपलोड करूँ। और हाँ नॉट की जो VR वाली बात थी, सॉरी AR वाली, अगर किसी और टेक क्रिएटर ने ना बताई हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वादा करा है, सुन लिया ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।